हम लोगों ने जो पढ़ा उस दिन एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, एल्गी में हम लोगों ने बात की थी एल्गी जो होता है क्लोरोफिलस होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि जो मोस्टली एक्वेटिक एल्गी होते हैं एक्वेटिक, हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था एल्गी जो होता है क्लोरोफिलस होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मोस्टली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक जो होता है दो टाइप के होता है, एक फ्रेश वाटर में एल्गी पाए जाते हैं, कुछ एल्गी हैं जैसे कुछ मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी का मतलब होता है जो नदी तालाब पोखर झील में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग फ्रेश वाटर एल्गी बोलते हैं। मेराइन वाटर एल्गी ऐसे होते हैं जो सागर महासागर में पाए जाते हैं, उन लोगों को हम लोग मेराइन वाटर एल्गी बोलते हैं। अब हमको ये जानना है कि ऐसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कौन से ऐसे एल्गी हैं जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। अब एक एक करके हमको जानना है कि फ्रेश वाटर एल्गी कौन से होते हैं। नंबर एक पे आता है एंडोथिरिक्स, नंबर दो पे आता है स्पायरोगायरा, नंबर तीन पे आता है कारा, नंबर चार पे आता है जिग्नोरिया। ये छह नाम हो गए, छह नाम ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। नंबर एक इग्लोथ्रिक्स, नंबर दो स्पायरोगायरा, नंबर तीन कारा, नंबर चार जिग्नोरिया, नंबर पाँच रिगुलेरिया, नंबर छः बैटेरियोस्पर्मा। छह एल्गी ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो नदी तालाब पोखर झील में जो शैवाल पाए जाते हैं उनको हम लोग फ्रेश वाटर एल्गी बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल। और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, उनको भी हम एक एक करके ऐसे लिख लेंगे। नंबर एक पे आता है लिमिनेरिया, नंबर दो पे आता है प्यूपा, नंबर तीन पे आता है सार्गासम, नंबर चार पे आता है मैक्रोसिस्टिस, नंबर चार पे मैक्रोसिस्टिस, नंबर पाँच पे एसेटा बुलेरिया। छह एल्गी ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और पांच एल्गी ऐसे हैं जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, और भी हो सकते हैं। नंबर एक लेमिनेरिया, नंबर दो फ्यूकस, नंबर तीन सार्गासम और नंबर चार जो है मैक्रोसिस्टिस, नंबर पांच एसेटा बुलेरिया। बस इसका मतलब यही होता कि जो एल्गी होता है मोस्टली एक्वेटिक, मतलब अधिकतर ये जल में पाए जाते हैं। कुछ एल्गी जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ एल्गी जो है मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जांपल ये है इलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, जिग्नोरिया, रिगुलेरिया, बैटेरियोस्पर्मम। मेराइन वाटर का एग्जांपल है लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गासम, मैक्रोसिस्टिस, एसिटिबुलेरिया। अब ये ख़त्म हो गया। उस दिन हमने बताया था कि एल्गी जो होता है एल्गी आर बोथ एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब ऐसे हम लोगों को ये जानना है कि जो कौन से एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, कौन से ऐसे एल्गी हैं जो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। बस एक एक करके नाम हमको लिखना है कौन से एल्गी जो हैं यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। नंबर एक में रहेगा क्लेमाइडोमोनास, नंबर दो में रहेगा फ्लोरेल्ला, क्लोरेल्ला। पहले माइलोमोनास जो होता है मोटाइल होते हैं, मोटाइल का मतलब होता है कि सीविया फ्लैजेल्ला दोनों प्रेजेंट रहता है।
ये एल्गी जो होता है क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर भी होता है, मोटाइल भी होता है। मोटाइल का मतलब होता है कि सीलिया फ्लैजेला दोनों प्रेजेंट रहता है। पोलोरेला ये भी यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है। इसमें जो नॉन मोटाइल का मतलब ये रहेगा कि इसमें सीलिया फ्लैजेला दोनों अब्सेंट है। ये हो गया दो एल्गी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। एक नंबर एक क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास मोटाइल भी होता है। मोटाइल का मतलब ये होता है कि इसमें सीलिया और फ्लैजेला दोनों प्रेजेंट होता है। पोलोरेला ये नॉन मोटाइल होता है, इसका ये मतलब होता है नॉन मोटाइल का मतलब कि सीलिया फ्लैजेला अब्सेंट होता है। अब हमको ये जानना है कि कौन से मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं। मल्टी सेलुलर एल्गी में सबसे पहला नाम आएगा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होता है ये कॉलोनियल भी होता है। कॉलोनियल भी होता है, मोटाइल भी होता है। मोटाइल भी होते हैं। नंबर दो पे आएगा, दो एल्गी का नाम हमने बताया जो मल्टी सेलुलर होते हैं। नंबर एक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स ऐसा एल्गी है जो कॉलोनियल होता है, यानी समूह में भी पाया जाता है, मोटाइल भी होते हैं। ये हाइड्रोडिप्टियन लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि नॉन मोटाइल होता है और मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी दोनों दो दो नाम हमने बताया, ये खत्म हो गया। अब हमको ये जानना कौन से एल्गी खाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडिबल एल्गी। एडिबल एल्गी खाने वाले शैवाल इसको बोलते हैं एडिबल एल्गी। अब इसको हमको जानना कौन से एल्गी खाने वाले होते हैं। नंबर एक इसको हम लोग बोलेंगे अलवा। नंबर दो पे होता है क्लोरेला, इसमें प्रोटीन 50% पाई जाती है, एक होता है स्पायरुलिना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी एल्गी में पाई जाती है, प्रोटीन 65%। नंबर तीन पे आएगा पोरफायरा। नंबर चार पे आएगा पोरफायरा। सात एल्गी ऐसे हैं जो खाए जाते हैं, नंबर एक अलवा, नंबर दो क्लोरेला, नंबर तीन स्पायरुलिना, नंबर चार पोरफायरा, नंबर पाँच कॉन्ड्रस क्रिस्पस, नंबर छः लेमिनेरिया, नंबर सात सार्गासम। और भी एल्गी हैं जो खाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि सात एल्गी जो ऐसे हैं जो खाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा किस एल्गी में प्रोटीन पाया जाता है, तो स्पायरुलिना, इसमें 65% पाया जाता है। क्लोरेला में 50% प्रोटीन पाया जाता है।